बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 31 आपका लाप्लास इक्वेशन से रिलेटेड है। इससे पहले आपने हीट फ्लो प्रॉब्लम पढ़ा, और ये हीट फ्लो प्रॉब्लम, ये सारी जो भी आप प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, ये असल में फोरियर सीरीज की एप्लीकेशन है। हीट फ्लो प्रॉब्लम, लाप्लास इक्वेशन, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इसके बाद होप्स आए, तो वो सारी आपके पास एप्लीकेशन है लाप्लास इक्वेशन। अब हम लाप्लास इक्वेशन को देखेंगे। लाप्लास इक्वेशन के अंदर एक प्रॉब्लम गिवन है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। सपोज एट द थ्री साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेट कैप्ट एट जीरो टेम्परेचर। अब आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, उसकी जो तीन साइड्स हैं उसको जीरो टेम्परेचर पे रखा गया है, और जो चौथी साइड है उसकी, उसको U1 टेम्परेचर पे रखा गया है। अब U1 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब आपने डिटर्मिन करना है स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट ऑल पार्ट्स ऑन द प्लेट। अब आपने सारे पार्ट्स प्लेट के चारों साइड्स पे टेम्परेचर पता लगाना है कि टेम्परेचर क्या है। अब ये स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? स्टेडी फ्लो आपने पढ़ा होगा, अनस्टेडी फ्लो MT-642 के अंदर। स्टेडी फ्लो क्या होता था कि एक वक्त टाइम के बाद आपके पास इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहते थे। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि एक टाइम ऐसा होगा कि जब आपके पास प्लेट्स के ऊपर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर का चेंज होना रुक जाएगा, तो उसको आपने उस टाइम की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वॉच लेक्चर लिखा है, लेंथी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आपके पास फोरियर सीरीज की रिकमेंडेड बुक के अंदर ये सोल्यूशन है, मैंने वहाँ से देखा। अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे वो क्या किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंसीडर द साइड हैविंग द टेम्परेचर U1 to 1 वेयर y इज इक्वल टू 1। अब आपके पास एक साइड ऐसी है जिस पे सिर्फ टेम्परेचर U1 है, बाकी ये तीनों साइड्स पर टेम्परेचर 0, 0 और 0। अब एक साइड है जहाँ पे टेम्परेचर U1 है। अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखें तो ये ओरिजिन पे जो पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस पे भी इसकी वैल्यू ओरिजिन पे पड़ा है, तो मतलब एक्स वाली वैल्यू भी 0 है, वाई वैल्यू भी 0 है। अब अगर इस पॉइंट पे आए तो मतलब कि अगर मेरे प्लेट यहाँ से यहाँ पे पड़ी है तो एक्स वाली वैल्यू 1, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे आई तो यहाँ पे मेरे पास 1 पॉइंट पे पड़ा हुआ है अगर, तो ये वाई पे वैल्यू 1 और वाई पे एक्स एक्सिस, वाई पे एक्स क्या होगा 0 होगा। और अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो ये दोनों को मिला के उसने 1-1 कह दिया। अब आपके पास सिंस वी फिनिश द स्टेडी टेम्परेचर स्टेट टेम्परेचर यू विच डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम द इक्वेशन इज अप्लेन। अब आपको लाप्लास इक्वेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए। जैसे आपने लास्ट टाइम हीट फ्लो प्रॉब्लम में हीट कंडीशन, हीट वाली इक्वेशन क्या होती थी, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इक्वल टू के पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स स्केयर, ये हीट फ्लो प्रॉब्लम में हमने इक्वेशन देखी। लाप्लास इक्वेशन ये होती है, इसको याद रखते हैं आपने, पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल एक्स स्केयर, पार्शियल स्केयर यू बाई पार्शियल वाई स्केयर। अब आपने इधर से इसकी बाउंड्री कंडीशंस पता लगानी है। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? बाउंड्री कंडीशन जो पहली बाउंड्री कंडीशन है, जब आपके पास एक्स जीरो है, एक्स जीरो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो हो सकता है, या अब आपके पास जब एक्स जीरो है और आपके पास u फंक्शन में, और अगर आपके पास x1 है, और ये वाली एक बाउंड्री कंडीशन ये है, एक बाउंड्री कंडीशन ये है, और अगली कंडीशन में वो कह रहे हैं कि जब आपके पास y0 है, ये सारे फंक्शन जब आपके पास x0 है, x1 है या y0 है, तब आपका u फंक्शन क्या होगा, 0 के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर आपके पास u फंक्शन x और 1 का, अगर आपके पास y1 है, तो आपके पास वो जो u फंक्शन है वो u1 के इक्वल आएगा। अब आपने इन बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करना है, और ये जो लास्ट वन है इसका मतलब होता है uxy<m> है, मतलब कि फंक्शन आपका बाउंडेड है, उसकी रेंज फाइनाइट है। अब हम इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखें u x और y का फंक्शन है, हम खुद से कोई इक्वेशन लेट कर लेती हैं, उनको सॉल्व करती हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से, या जो भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं वो करेंगे। अब आपका u x और y का फंक्शन है, और जो हम इक्वेशन लेट करेंगे वो भी x y ही करेंगे, कर लिया। अब हमें पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से। तो मैंने इसका बताया था आपको कि x डबल प्राइम y इसका डेरिवेटिव आएगा, जब आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो xy डबल प्राइम आएगा। अब आपके पास x डबल प्राइम y इस साइड पे आएगा तो माइनस xy डबल प्राइम होगा। मैंने इसको नोट डाउन भी कर लिया था ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकूं। तो ये हो गया वैल्यूज, ठीक है, ये दोनों मेरे पास आंसर आ गए। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का आंसर आया एक्स प्राइम वाई, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स डबल प्राइम वाई आएगा। अब आपको पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल वाई स्केयर चाहिए, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, एक्स कांस्टेंट रहेगा, आप बस इसका डेरिवेटिव एक्स वाई प्राइम आएगा, और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई डबल प्राइम आएगा। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, आप बस एक्स डबल प्राइम वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल प्राइम हो जाएगा, यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब आप एक्स वाले वेरिएबल को एक्स से सेपरेट कर लें, वाई वाले को वाई से, यहाँ एक्स डबल प्राइम इधर ही रहने दिया, एक्स मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, ये वाई इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमने खुद से एक कॉन्स्टेंट के इक्वल एक्स वैल्यू को रख लेते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर के, हमने इसको इक्वल रख लिया। दोनों को जब हम बारी बारी इक्वल रखेंगे, x डबल प्राइम ओवर x को माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखा, तो आपके पास x डबल प्राइम ये
आप बस माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जब ये वैल्यू लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे जाएगी तो प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगी, इससे आपके पास एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा लैम्डा आएगी। अब आपके पास एक्स का आंसर जैसे कि आ चुका है एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आयोटा लैम्डा। अब आपने इस एक्स को कॉम्प्लेक्स रूट है क्योंकि आपके पास इमेजिनरी वैल्यू है, तो इमेजिनरी वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं आप, ए की पावर में एक्स सी वन कॉस बी एक्स सी टू साइन ए एक्स कर लें या साइन बी एक्स कर लें। तो अब आपके पास ए की पावर में ए एक्स रियल वैल्यू तो इसकी है जीरो, तो ई की पावर में जीरो एक्स होगा। तो जब एक्सपोनेंशियल की पावर में जीरो होता है तो वो हमेशा वन के इक्वल होता है, तो ई की पावर ये वाली वैल्यू तो खत्म होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आए तो सी वन कह लें या आप अल्फा वन रूट्स ले लें, तो अल्फा सी वन कॉस बी एक्स सी टू साइन बी एक्स, उसको लिखने से पहले ये वाली फॉर्म देख लेते हैं। एटा लेमडा है तो हमने आपके पास प्लस माइनस एटा लेमडा है, तो आपके पास इट्स मीन के दो वैल्यूज हैं, एक दफा प्लस लेमडा है एक दफा माइनस लेमडा है। तो अल्फा वन ई की पावर में एटा लेमडा एक्स लिख लिया एक दफा, और दूसरी दफा हमने इसको बीटा वन ई की पावर में माइनस एटा लेमडा एक्स लिख लिया। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं। अब अल्फा वन एक कॉन्स्टेंट बाहर रहने दिया, ई की पावर में एटा लेमडा एक्स को जब आप ओपन करेंगे तो सी वन कर लें या एज इट इज लिखा रहने दें कॉस लेमडा एक्स प्लस एटा साइन लेमडा एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लस लेमडा एक्स है। फिर इसी तरह से बीटा वन एज इट इज आ गया, कॉस इंटू माइनस लेमडा एक्स यहाँ पे आएगा ना, जब हमें आपके इसकी पावर में माइनस लेमडा एक्स है, जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस लेमडा एक्स पुट करेंगे तो कॉस क्या करता है नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेते, तो इसलिए यहाँ पे प्लस कॉस लेमडा एक्स हो गया माइनस, फिर आएगा आपके पास प्लस आएगा फिर आपके पास, और फिर एटा साइन यहाँ पे अगेन माइनस लेमडा एक्स आएगा, और साइन तो नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व नहीं करता है, तो यहाँ पे इसलिए ये साइन के बाहर माइनस साइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपने ये लिखने के बाद कॉस वाली वैल्यूज को सेपरेट आउट कर ली और साइन वाली वैल्यूज को सेपरेट कर ली, कॉस वाली को कट कर लिया, कॉस लैम्डा एक्स कॉमन आ रहा है, अल्फा वन प्लस बीटा वन हो गया, और यहाँ से आपके पास आयोटा इमेजिनरी वैल्यूज को सेपरेट कर लिया साइन लैम्डा एक्स, इधर आपके पास यहाँ पे माइनस बीटा वन और यहाँ पे प्लस अल्फा वन, अल्फा वन माइनस बीटा वन इसकी बन गई, और ये जो अल्फा वन प्लस बीटा वन है इसको आपने कैपिटल ए वन का नाम दे दिया और अल्फा वन माइनस बीटा वन को कैपिटल बी वन का नाम दे दिया, ठीक हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब आप इसकी वाई वाली वैल्यू पे चले, उस तरह से हम इसकी वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे, वाई डबल प्राइम माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस को जब आप कॉमन ले लेंगे या माइनस को कॉमन लेने के बाद आप बस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, वाई का आंसर प्लस माइनस लैम्डा आ गया। उस तरह से अल्फा टू यहाँ पे हमने अल्फा वन लिया था, यहाँ हमने अल्फा टू ले लिया, ई की पावर में लैम्डा वाई बीटा टू की पावर में माइनस लैम्डा वाई होगा। उसी तरह से अब आपके पास यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग है, चेंजिंग क्या है, अगर हम अल्फा ई की पावर में लैम्डा वाई था तो अगर मैं इसको माइनस अयोटा इंटू अयोटा से मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस इधर ही रहने दिया, अयोटा इंटू अयोटा क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर होता है, और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है। तो देखें माइनस और मैं इसको अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू लिखने लगी हूँ माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अगेन यहाँ पे वन ही आ गया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू भी यहाँ पे वन ही आता है इसके साथ। तो हम यहाँ पे अपनी क्वेश्चन को थोड़े से चेंजिंग देने के लिए यहाँ पे माइनस अयोटा और अयोटा इंटू अयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है इसकी पावर में माइनस है और लैम्डा वाई है, तो यहाँ पे हम अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अयोटा को अयोटा से क्या, तो अयोटा स्क्वायर बन गया, और आपके पास अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है, इसकी वैल्यू माइनस वन आ गई और आपके पास माइनस वन आ गई, और यहाँ पे ये माइनस साइन ऑलरेडी हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये इससे हमने इसको रिप्लेस कर लिया माइनस साइन को, ठीक हो गया। अब आपके पास इतना करने के बाद उसी तरह से हमने इसकी फॉर्म ओपन करी, फॉर्म ओपन की अल्फा टू कॉस अयोटा लेमडा वाई, और फिर आप साइन वाली वैल्यू में माइनस अयोटा वाली वैल्यू से जब पुट करेंगे कॉस ने तो नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन साइन फंक्शन नहीं ऑब्जॉर्व करेगा। फिर बीटा टू में कॉस अयोटा लेमडा वाई और अयोटा साइन अयोटा लेमडा वाई सारी वैल्यूज होगी। अब आपको पता होगा कि जो कॉस अयोटा लेमडा वाई होता है वो कॉस हाइपरबोलिक लेमडा वाई के इक्वल होता है, या आप इस तरह से अगर याद है आपको तो कॉस अयोटा एक्स किसके इक्वल होता था, कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई के इक्वल होता था, और इसी तरह से अयोटा साइन अयोटा एक्स वाई किसके इक्वल होता था, कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई के इक्वल होता था, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक लेमडा आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपने चेंज कर लेनी है। उसके बाद वाई इक्वल टू अब आपके पास ये जो कॉस अयोटा लेमडा इसकी जगह कॉस हाइपरबोलिक लेमडा वाई पुट कर लिया, साइन अयोटा लेमडा वाई की जगह साइन हाइपरबोलिक लेमडा वाई पुट कर लिया, सिमिलरली यहाँ पे भी आपने चेंजिंग कर लेनी है। अब कॉस हाइपरबोलिक लेमडा वाई वाली इकट्ठी कर ली और साइन हाइपरबोलिक वाली, यहाँ पे अल्फा टू प्लस बीटा टू आएगा, और यहाँ पे आप जब साइन वाली इकट्ठी करेंगे तो बीटा टू के साथ प्लस है और अल्फा टू के साथ, यहाँ पे अल्फा टू तो अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस है, तो बीटा टू माइनस अल्फा टू साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। उसी तरह से आपने इस ए टू बी टू को कैपिटल ए टू का और इस ए माइनस ए टू बी टू को अल्फा टू बीटा टू को कैपिटल बी टू का नाम दे देना है। यहाँ तक होने के बाद आपके पास x और y दोनों का आंसर आ गया। जब आपके पास x और y दोनों का आंसर आ गया है तब आपने अब क्या करना है, x y की वैल्यू आपने जो गिवन फंक्शन सेलेक्ट किया था उसमें पुट करेंगे। जब आप x y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
ये वैल्यूज पुट कर लें, ये जो अभी आपके पास A1, A2, B1, B2 आई वैल्यूज पुट कर लें, अब आप अपनी बाउंड्री कंडीशंस पर जाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है? पहली बाउंड्री कंडीशन थी जब आपके पास x 0 है तो वो फंक्शन u इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो आपके पास जहां जहां क्वेश्चन के अंदर x आ रहा है वहां 0 पुट कर लें। A1 cos lambda into 0, B1 sin lambda into 0, तो sin 0 0 होता है तो ये फंक्शन तो 0 हो गया, लेकिन cos 0 1 होता है तो आपके पास ये वाली वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगी, और A1 into A2 cos hyperbolic lambda y, B2 sin hyperbolic lambda y इसका आंसर आ जाएगा। और ये फंक्शन किसके इक्वल है? जब आपके पास x 0 है तो ये u फंक्शन 0 के इक्वल है, तो आपके पास हमने इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल रख लिया। अगर आप इस फंक्शन को इस 0 के इक्वल रखते हैं, अगर आप इस फंक्शन को अपनी ओरिजिनल ऊपर वाली इक्वेशन में 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये पूरा फंक्शन तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम इस फंक्शन को 0 के इक्वल रख ही नहीं सकते, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम A1 को 0 रख सकते हैं, जब हम A1 को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और B1 sin lambda x, और आपके पास रिमेनिंग इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे ये जो B1 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, B1 A2 B2 B1 हो जाएगा। नहीं, ये जो B1 A2 है इसको हम अपनी आसानी के लिए एक न्यू कांस्टेंट का नाम दे देंगे C1 का, और ये जो B2 B1 बना इसको C2 का नेम दे देंगे। क्यों दे दिया? क्योंकि आपके पास जैसे हम जितनी आसानी अपनी आसानी के लिए वैल्यूज को छोटा करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास इन कांस्टेंट को फाइंड करना ईजी हो जाए। अब आप अपनी नेक्स्ट, आपके पास एक न्यू अगेन फंक्शन आ गया UX ऑफ Y का, साइन लैम्डा x C1 cos hyperbolic lambda y, C2 sin hyperbolic lambda y, ये वैल्यू आ गया। अब आप अपनी बाउंड्री कंडीशन पे जाएंगे, जो कि बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या है, अगर आप इस बाउंड्री कंडीशन पे आए तो आपके पास, क्योंकि यू एक्स और वाई का फंक्शन है इस टाइम पे, मतलब आपके पास एक्स एज इट इज और वाई क्या है यहाँ पे 0 है, तो अब आप अपनी बाउंड, आपके पास जो वैल्यू इक्वेशन बनी है यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करें, यू एक्स ऑफ 0 साइन लैम्डा एक्स, जहां जहां वाई आ रहा है वहां वहां 0 पुट कर लिया, कॉस हाइपरबोलिक लैम्डा इंटू 0 को आपने फाइंड कर लिया है। तो इसी तरह से जब आपके पास कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर में एक्स प्लस ई की पावर में माइनस एक्स अवर 2, अब आपके पास यहाँ पे लैम्डा है और लैम्डा वाई है, तो आप जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, e की पावर में लैम्डा वाई प्लस e की पावर में माइनस लैम्डा वाई अवर 2 कर लेंगे, अब आपके पास y क्या है 0 है, तो e की पावर में यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी e की पावर में माइनस लैम्डा इंटू 0 होगा, और जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर में 0 जाता है वो 1 के ही इक्वल होता है, तो 1 प्लस 1 आपके पास बनेगा 1 प्लस 1 और अवर 2 हो जाएगा, और 2 इंटू अवर 2 आपके पास 1 आ जाएगा, तो cos hyperbolic lambda into 0 का आंसर आपके पास 1 आ गया, और C1 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से sin hyperbolic lambda का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो e की पावर में x, या जब आपके पास cos में प्लस आता है तो sin में बस माइनस का साइन आता है, उसी तरह से आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, e की पावर में 0, e की पावर में 0, 1 माइनस 1, आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपके पास C1 sin lambda x बाकी बच गया। इस कंडीशन के अंदर भी क्या था, जब आपके पास ux ऑफ 0 है तब भी u फंक्शन क्या आएगा, 0 ही के ही इक्वल रखना है, तो अब आपने इस फंक्शन को भी 0 के इक्वल रख लिया, आप C1 sin lambda x को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर अब आप जो ऊपर इक्वेशन आती है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स को इस पूरी इसको 0 इस वाले फंक्शन को 0 के इक्वल रखें और हम यहाँ पे इसकी जगह 0 पुट करते हैं, तो इससे तो हमारा यू एक्स वाई पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल नहीं रख सकते, तो किसको रखेंगे 0, C1 को 0 रख लेंगे, तो आप बस ये जब ये टर्म 0 हो जाएगी, साइन लैम्डा एक्स C2 साइन हाइपरबोलिक लैम्डा वाई, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे, नेक्स्ट आपके पास कौन सी वैल्यू को आप 0 के इक्वल रख सकते हैं, ओके ये नहीं लिखना था, मैं इसको खत्म कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, ये नहीं लिखना था आपके पास, ये क्या है C2 साइन लैम्डा एक्स की जो वैल्यूज हैं, ओके ओके okay, अब आपके पास जो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है u1 ऑफ y इज इक्वल टू, जब आपके पास x1 है तब आपके पास u फंक्शन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो जब हम इस कंडीशन के अंदर x1 पुट करेंगे sin lambda into 1 sin hyperbolic lambda y as it is, x को सिर्फ 1 पुट करना है, पुट कर लिया, अब आप देखिए आप किस, तब भी आपने u फंक्शन को किसके इक्वल रख सकते हैं, 0 के इक्वल रख सकते हैं। अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन बनी है इसको 0 के इक्वल रखा, C2 को अगर हम C2 को 0 के इक्वल रखें, तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन में C2 की जगह 0 पुट करें तो ये पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, इसका मतलब हम C2 को 0 नहीं रख सकते। अगर हम साइन हाइपरबोलिक लैम्डा वाई को 0 रखें तब भी इक्वेशन 0 हो जाएगी, अब हम यहाँ पे सिर्फ साइन लैम्डा को 0 के इक्वल रख सकते हैं। अब आपने साइन लैम्डा को जब 0 के इक्वल रख लिया, अब देखें यहाँ पे लैम्डा है, ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। अब आप सोचें कि साइन कौन सी वैल्यू के ऊपर 0 होता है, जब आप साइन इनवर्स ऑफ 0 लिखते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि साइन कौन सी वैल्यू पे 0 आता है, तो साइन 0 0 होता है, साइन
पाई साइन 180 भी जीरो होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स ऑफ जीरो है वो पाई के इक्वल है। अब अगर आप पाई के साथ कोई भी वैल्यू लगा दें, 1 पाई लिख लें, 2 पाई लिख लें, 3 पाई लिख लें, आप सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएं एंड आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो, आप कोई भी इसके पाई के साथ वैल्यू लगा दें, तो आपके पास वहाँ पे साइन क्या होगा, जीरो ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा हमारे पास पाई के इक्वल आ गया और एम हमारा एन से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, आप कोई भी वैल्यू उसके साथ लगा दें तो वो वैल्यू जो है वो वहाँ पे साइन जो है वो जीरो होगा। अब आपके पास लैम्डा हमने एम पाई लेट निकाल दिया, सी टू ये दोनों वैल्यू जीरो थी। अब आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आई ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, सी टू साइन लैम्डा की जगह पे एम पाई साइन हाइपरबोलिक लैम्डा की जगह पे एम पाई वाई हो गया, आपके पास ये फंक्शन आ गया। आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता था जब आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाते हैं ना, तो आप कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन से आपके पास जो आंसर आता है उसको भी हम एक सोल्यूशन ही कहते हैं। तो हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सी टू है, ये जो हमने सी टू कहा है, इसको मैं सी एम कह लेती हूँ, हमारे पास एम वन एम टू एम, अगर हम इसको सी टू ना लेट करते, ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे सी टू लेट किया है ना, तो आप इसको यहाँ पे कहाँ गया, ये सी वन लेट किया, ओके ओके ओके, ये आपके पास इसका आंसर यहाँ पे सी टू आया। अगर हम यहाँ पे सी वन सी टू इसको ना लेट करते, आप इसको पी और क्यू लेट कर लेते, तो आपके पास यहाँ पे पी और क्यू चलता आएगा, जब आपके यहाँ पास यहाँ पे पी आएगा। अगर हम यहाँ पे पी एम लिख देते हैं, तो इसका मतलब आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं एम वन टू इन्फिनिटी, अगर आप सी टू भी लेकर चलेंगे तो, इसलिए मैंने यहाँ पे पी इसलिए कह दिया आपको कि देखिए यहाँ पे टू है ना, तो इसकी कोई सेंस नहीं, आपको समझ आएगी कि हमने इसको सी एम कर दिया है। तो अगर आप इसको सी टू की जगह पे पी और क्यू, सी वन को पी कहते हैं, सी टू को क्यू कहते हैं, तब आपको समझ भी आ जाएगी कि हमने इसको पी एम सीरीज में ले गए हैं। अब आपके पास M1, 2, M1, 2, 3 जो भी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एक सीरीज बन गई है, आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, जब आपके पास U, जब फोर्थ प्लेट के ऊपर जब आपके पास Y1 है तो वो U1 के इक्वल होगी। जब आपके पास Y1 है, अब आपके पास जब यहाँ पे Y की जगह पे 1 पुट किया, Y की जगह पे 1 पुट करने के बाद इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे। जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को U1 के इक्वल रख लेंगे, सी एम साइन एम पाई एक्स साइन हाइपरबोलिक एम पाई को किसके इक्वल रखेंगे, U1 के इक्वल रखेंगे। अब हम फोरियर सीरीज को के अकॉर्डिंग इस सीरीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सीरीज के फॉर्म क्या है, हमने बी एम साइन हाइपरबोलिक एम पाई को इधर ही रहने दिया, ये जो समीशन साइन वाली सीरीज इस पार्ट को इधर ही रहने दिया, ये यू वन के इक्वल था तो हमने इसको यू वन साइन एम पाई एक्स लिख लिया। और अगर ये इवन फंक्शन हो तो हम इसको टू इंटू फंक्शन लिख सकते हैं, और उसके लिए हमने जो लिमिट्स निकाली वो जीरो टू वन निकाली। अगर आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को देख भी लें, तो आपके पास यहाँ पे एक्स जीरो था फिर वन था, तो आप यहाँ पे आप बस ये जो स्क्वायर प्लेट थी ये भी जीरो और वन के अंदर ही थी, जीरो और वन के अंदर थी, तो हमने इसकी जो लिमिट्स ली वो जीरो टू वन ली। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेट करके साइन को अगर आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने से पहले आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, साइन स्केयर बना सकते हैं, वन माइनस कॉज वो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, फिर आप इसकी इसको इंटीग्रेट इसको साइन स्केयर को इसके इक्वल रख लेंगे, जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये वन माइनस कॉज एम पाई ओवर एम पाई आएगा, एम पाई जो वैल्यूज ऊपर आती हैं वही नीचे आएगी, एम पाई आएगी यहाँ पे इसकी इनर की वैल्यू, फिर इसकी लिमिट्स पुट कर लें, जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ वहाँ वन पहले लिमिट पुट करेंगे और फिर जीरो पुट करेंगे। अब आपने यहाँ पे काम करना है, इसको अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर इसकी वैल्यूज को अपर लिमिट को लोअर लिमिट को पुट करना है, और आपके पास इसके बाद ये साइन हाइपरबोलिक एम पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास बी एम सीरीज का आंसर आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आपके पास पता चला कि जो ये 2u1 अब आपके पास जो लास्ट इक्वेशन आई है उसमें बी एम की वैल्यू पुट कर ले, बी एम की वैल्यू यह आई है 2u1 अवर पाई ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रहने दिया, 1 माइनस कॉज एम पाई साइन हाइपरबोलिक एम पाई ये वाली वैल्यू इधर आ गई, और इसके अलावा आपके पास ये एम इधर आ गया, ये वाला एम एक 2u1 अवर पाई तो बाहर चला गया, और इसके अलावा ये जो फंक्शन है ये वाला साइन एम पाई एक्स इसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमने इसकी इक्वेशन में आपके पास ये फंक्शन आ गया, तो इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज को पुट कर लिया, तो आपके पास एट द एंड ये आंसर आ गया उसके प्लेट का। Note that this is Dirichlet problem. We are solving Laplacian for u inside a region R where u is specified on the boundary of R. तो ये आपने इसको लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व कर लिया।